नमस्कार सभी दोस्तों को। स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का होली का त्यौहार अच्छा से मना होगा। रंग बिरंगे रंगों से आप लोग खेले होंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज एक नया वीडियो आप लोगों के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और एक वैकेंसी का अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए देखिए दोस्तों, ये वीडियो असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन रैली से रिक्रूटमेंट जो है उसी से रिलेटेड है। और कुल पदों की संख्या हम लोग बात कर लें तो 617 है, 617। इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोटिस के बारे में, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट रैली जो दिया हुआ है 2023, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का फॉर्म जो है ये 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं 17/2/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 19 मार्च 2023 तक अप्लाई होना है। जो जो दोस्त इस फॉर्म को नहीं भरे हैं वो इस फॉर्म को भरें। और इसमें देखिए, लास्ट फी पेमेंट का जो डेट है वो भी 19 मार्च को है। और एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं 1/5/2023 को आने वाला है, यानी एग्ज़ाम डेट है, सॉरी दोस्तों एग्ज़ाम डेट है। और कह रहा है एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फ़ी लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया फी लगने वाला है और एससी एसटी को कोई पैसा नहीं लगेगा, एग्ज़ाम फी या एप्लीकेशन फी जो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। और ऑल कैटेगरीज ओमेन यानी महिला के लिए भी कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और जिससे जिससे यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो पैसा पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें दिया हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट जो है आप लोगों का मिनिमम जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष होना चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं, कुल पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं 617 है। कुल पदों की संख्या 617 है, ये क्लियर हो जाइए। और इस 617 पदों में से दोस्तों कौन कौन सा बांटा हुआ है इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्स बता देंगे, क्या क्या वैकेंसी है। तो देखिए, हवलदार और क्लर्क जिसको कहते हैं उनके लिए 10+2 इंटरमीडिएट कोई भी बोर्ड से इंडिया का होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी का 30 का स्पीड होना चाहिए। तो आप लोग हवलदार के लिए एलिजिबल हैं। आगे आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों, हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का जो है
उनके लिए 10+2 होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ अगर आईटीआई के साथ अगर यदि मैट्रिक के साथ आईटीआई किए हैं तो भी आप लोग हवलदार ऑपरेटर जो है रेडियो लाइन का जो फॉर्म है ये आप लोग डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है राइफलमैन एयरमोरर का। इसमें इंडिया का कोई भी बोर्ड से आप लोग मैट्रिक पास किए हैं तो फॉर्म को डाल सकते हैं। और राइफल्समैन बार्बर का जो है उनके लिए भी ओनली मैट्रिक पास की आवश्यकता है। राइफल्समैन जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो भी हैं उनके लिए भी मैट्रिक पास की आवश्यकता है। यानी राइफल्समैन वाशरमैन जो है और राइफल्समैन नर्सिंग असिस्टेंट जो है, ये सभी पदों के लिए दोस्तों आप लोग इंडिया का कोई भी बोर्ड से, कोई भी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक पास यानी 10th पास किए हैं तो आप लोग इतने सारे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इतने सारे इस फॉर्म में पद है तो इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं दोस्तों, ये है वारंट ऑफिसर रेडियो मशीन मैकेनिक का। तो इसमें आप लोग 10+2 अगर यदि हो, इंटर अगर किए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, या तो फिर 10th के साथ अगर कोई डिप्लोमा किए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। वारंट ऑफिसर जो है वेटरनरी का जो है फील्ड असिस्टेंट, इनके लिए 10+2 के साथ अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नायब जो है सूबेदार, इन लोगों के लिए आप लोग बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी बीए या बीएससी कोई भी बोर्ड से होना अनिवार्य है यानी इंडिया से। फॉर अदर पोस्ट मस्ट रीड द नोटिफिकेशन, यानी और कोई पदों के लिए कह रहा है दोस्तों नोटिफिकेशन को देखें। हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों कि स्टेट वाइज पोस्ट क्या है असम राइफल्स और टेक्निकल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट का, और कितना कितना पद है ये हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो टोटल पोस्ट 25 हैं, उत्तराखंड में 2 हैं और बिहार में 30 हैं, छत्तीसगढ़ में 14 है, हरियाणा में 4 हैं और गोवा में 3 हैं, वेस्ट बंगाल में 12 पोस्ट हैं और जम्मू कश्मीर में 10 है, कर्नाटका में 18 हैं, लक्षद्वीप में 1 पोस्ट हैं, महाराष्ट्र में 20 पोस्ट हैं और मेघालय में 3 पोस्ट हैं, नागालैंड 92 पोस्ट हैं और पुदुचेरी में 2 पोस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में 34 पोस्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं तेलंगाना में 27 पोस्ट हैं और आंध्र प्रदेश में जो है आप लोगों का 25 पोस्ट हैं। और हम लोग बात कर लें तो राजस्थान में 9 पोस्ट हैं, दिल्ली के लिए 4 पोस्ट हैं, मध्य प्रदेश के लिए 12 पोस्ट हैं, झारखंड में 17 पोस्ट हैं, पंजाब में 12 पोस्ट हैं, गुजरात के लिए 27 पोस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 1 पोस्ट है, सिक्किम के लिए 1 हैं और केरला के लिए भी
21 पोस्ट हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में कोई पद खाली नहीं है। मणिपुर में 33 पद हैं और मिजोरम में 88 पद हैं और ओडिशा में 21 पद हैं, असम में 18 पद हैं, तमिलनाडु में 26 पद हैं और त्रिपुरा में 4 पद हैं। टोटल पदों की संख्या हम लोग बात करें तो 617 है। अब देखिए दोस्तों, दो जगह जो है ऐसी हैं जहां पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। अगर हम लोग बात कर लें नागालैंड की, नागालैंड और मिजोरम, देखिए दोस्तों नागालैंड और मिजोरम में पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे हो इस फॉर्म को भरें और आप लोग तैयारी में लग जाएं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म अप्लाई करने में तो कमेंट करके पूछें। अगर कहीं डाउट हो तो भी कमेंट्स करके पूछें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि एससी एसटी और ओबीसी क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। एससी एसटी जो है उनको 5 साल की छूट मिलेगा और ओबीसी को जो है 3 साल का छूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये देगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।